मॉर्निंग फ्रॉम त्याखी। तो जैसे कि आपको पता है, कल रात को हम 7 बजे एंटर कर गए थे त्याखी में, और ऊपर आते आते हमें 8 बज गए थे। मैं दिखा दूँ, ये रात को ये भी पिक्चर भी बिस्तर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं सोया था और ये मस्त नींद आई ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और बहुत मज़ा आया यार सोने में। आज पहली बार ढंग की नींद आई है। रात को 12 बजे सोया था, अभी 7:30 बजे मतलब 7 बजे उठ गया था मैं। और ये त्याक्षी का पूरा व्यू देख लो, पूरा बैकग्राउंड है ये देखिए, बहुत ही बढ़िया माउंटेन K2 माउंटेन्स की रेंज है पीछे। यहाँ पे पाक आर्मी के बंकर्स हैं ऊपर, और इसके अलावा ये खुरमानी के पेड़ हैं, वो सेब के पेड़ हैं, और पीछे अखरोट के पेड़ हैं। ये जितने पहाड़ हैं ये इंडियन पहाड़ हैं सामने, ये देखिए। और यहाँ खेती करते हैं, गेहूं की खेती है। ये हमारे रूम से बिल्कुल व्यू नज़र आता है सामने, ये हमारे नीचे ही रूम है इसके, ये व्यू देखो इसके साथ। आज का प्लान ये है कि त्याक्षी में थोड़ा घूमेंगे, फिर हम रुकेंगे अंदर में, रात को स्टे करेंगे अंदर में, और उसके बाद कल हम पेंगोंग, पेंगोंग के बाद ले के बाद दिल्ली वाया श्रीनगर। अभी तक यही है हमारा प्लान। तो भाई एक चीज़ और बता दूँ, और यहाँ पाकिस्तानी का बना हुआ एक स्कूल है जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है देखने को, यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे। अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो मैं दिखा देता हूँ। तो भाई ने क्या क्या लोकल बनाया हुआ है, ये क्या है? यहाँ का लोकल डोसा ब्रेड, यहाँ का लोकल डोसा, ये लोकल डोसा है यहाँ का, और ये रायता, हाँ ये रायता है, ग्रेवी, और फिर चाय है साथ में। ये जबरदस्त। तो अभी खाते हैं फिर बताते हैं आपको कैसे था। तो गाइस अभी हम निकले हैं त्याखी गांव को एक्सप्लोर करने, और ये हमारा पीछे था होम स्टे, K2 होम स्टे। सेब सेब सेब, ये है सेब, सेब के पेड़, खुमानी के पेड़, और अखरोट के, बहुत कुछ है यहाँ पे। और ये खेत देखो, ये गेहूँ के खेत, ये हमारे भाई लोग चल रहे हैं साथ में। और यहाँ पे 50-60 ये घर बने हुए हैं, तो हम चल रहे हैं आगे, आपको दिखाते हैं आज त्याक्षी का जो भी यहाँ का फेमस चीज़ें हैं, और ये नेचुरल ग्लेशियर का पानी। तो ये कब्रिस्तान है 700 साल पुराना, 700 साल। अच्छा, शुरू शुरू में तो बुद्धिज्म था ना, तो मुस्लिम कन्वर्ट होने के बाद जो है यहाँ पर लोगों को दफनाने लाता था। अच्छा अच्छा, लोग मर जाता था ना, उनको यहाँ पर ही लाता, आजकल यहाँ नहीं रहते हैं, मर जाते हैं। ऊपर एक जगह है कब्रिस्तान का, वहाँ ले जाते हैं। अच्छा, और यहाँ से नीचे एक और जगह है, वो मैं आपको ऊपर दिखा दूँगा, वहाँ दफनाता है। हम एक स्कूल में आए हैं जो कि 71 से पहले ये पाकिस्तान द्वारा बनाया गया था, यहाँ बच्चे पढ़ते थे। अब ये ऑपरेट होता है, ये अब ऑपरेट नहीं है। पहले यहाँ पर प्राइमरी स्कूल था, हाँ हाँ, यहाँ पर मिडिल स्कूल सेंशन हो गया ना, हाँ हाँ, तो उसके बाद यहाँ मिडिल चलाता था। अच्छा, ये जो है 1971 से पहले का बना हुआ है, 1968 में जी, ओके, पाकिस्तान ने। अच्छा, बना के बिल्कुल तैयार ही हुआ था। नेक्स्ट साल दिसंबर 16 दिसंबर के बाद जो है ना, मार्च में जब स्कूल शुरू हो जाता है ना, हाँ सेशन शुरू हो जाता है ना, तो वहाँ से वो टीचर वाला देने वाला था। अच्छा, इतने में झगड़ा हो गया, हाँ स्कूल बनाया पाकिस्तान ने, टीचर लगा दिया अपने गवर्नमेंट ने। हाँ, ये कस्सा है। आप पढ़े हुए स्कूल में? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ा, मैं तुर्तुक जाता था। उस वक्त यहाँ पर सेंशन ही हुआ था, तो हम यहाँ से तुर्तुक पढ़ने जाते थे। आप 10 साल के थे उस टाइम जब 71 में? जी, हम यहाँ से पैदल तुर्तुक जाना, फिर पैदल तुर्तुक से यहाँ आना। तो मैं अंकल से मिलवाना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद खान है। मोहम्मद खान है, और इन्हीं के हम जो होम स्टे में रुके हुए हैं, K2 होम स्टे में, और ये हमें घुमाने लाए हैं पूरा त्याखी गांव को। पहला स्कूल सिर्फ ये था पाकिस्तान द्वारा, हाँ प्राइमरी वाला, फिर अब ग्रेड हो गया ना मेडल, हाँ के बाद जो इसको, हाँ अभी अब इंडिया के कब्जे में आया, तो ये इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं सारे, हाँ सिर्फ पाकिस्तान द्वारा ये बनाया गया, बस ये वाला पार्ट। अंदर चलते हैं एक बार, 50 साल होने को है, कितना अच्छा है देखना, है ना। और ये बोर्ड तभी का लिखा हुआ है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो बाद में हम अपना 9/3/1973, ये भी लकड़ी का तबका है, ये लकड़ी का तबका है जी।
वेरी गुड। 50 साल तो हो गए। हाँ 50 साल हो गए। तो अभी आप देख रहे हैं 50 साल पुराना स्कूल जो कि पाकिस्तान द्वारा बनाया गया था। फोटो शोटो ले लो। हाँ ठीक है। अभी हम हैं इंडो पाक बॉर्डर व्यू पे, जो हमारा लास्ट विलेज है थांग विलेज, वो सामने नज़र आ रहा होगा। ये ब्रिज को क्रॉस करके थांग विलेज आता है, जो कि बॉर्डर लास्ट बॉर्डर विलेज है थांग विलेज। और ये है त्याक्षी विलेज, ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये भी सामने त्याक्षी विलेज। और जहाँ पे हम स्टे किया था वो भी पूरा त्याक्षी विलेज, और त्याक्षी विलेज बहुत ही बड़ा विलेज है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको पोस्ट, सबसे ऊपर पाकिस्तान की पोस्ट है सबसे ऊपर, और उससे नीचे इंडियन पोस्ट है। और यहाँ से ये रास्ता देख रहे होंगे ऊपर जा रहा है, यहाँ से राशन जाता है, डेली राशन जाता है ऊपर हमारी पोस्टों पे। तो बहुत ही शानदार विलेज है यार त्याक्षी विलेज, आप ज़रूर आएँ एक बार स्टे करें। और K2 होम स्टे में बहुत ही बढ़िया है रहना सहना खाना पीना, मज़ा आ गया यार। वाटर व्यू कैफ़े में हैं हम, ये मेरे पीछे है। जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके लिए यहाँ खाना पीना, चाय कॉफ़ी और मैगी वगैरह यहाँ मिलता है। और ये बॉर्डर व्यू है, सामने इंडिया और पाकिस्तान की पोस्ट है ऊपर पहाड़ी पे। यहाँ दूरबीन से ये दिखाते हैं ये पोस्ट को। यहाँ पे आप टेंटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ कैंप लगा सकते हैं अपना कैंप ला के। तो गाइस यहाँ पे त्याक्षी में एक छोटा सा बाल्टी म्यूजियम बनाया हुआ है, वहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है जो बाल्टी कल्चर में यहाँ के लोग यूज़ करते हैं। तो मैं उनको दिखा देता हूँ आपको एक एक करके। अच्छा लस्सी निकालने के लिए मटका, ये मटका जी सर, सही हल है ये, तिजोरी टाइप हो गया, तिजोरी हो। अच्छा ये ताला देख लो भाई, ये दिया है पत्थर के बने अंदर, यहाँ पे यहाँ मंगूर मंगूर जंग जंग ठीक ठीक थाली थाली ये हम भी। अच्छा गाय का दूध निकालते हैं इसमें, ये चूल्हा है सर। अच्छा उस जमाने में अच्छा चाय पीने का पत्थर का कप, इसके अंदर क्रॉस हो जाएगा सर। अच्छा जी सामान रखने का पूरा बक्सा है, ये है कांटा। अच्छा इंडिया 1918 का बाल्टी कल्चर का, बाल्टी कल्चर का कपड़ा है। तो गाइज आपने देखा बाल्टी कल्चर, पूरा जो घर का सामान पुराने समय में जो यूज़ करते हैं, आज भी लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आ गया देख के। तो गाइज हम दिल्ली से लगभग 1800-2000 किलोमीटर दूर पे त्याक्षी गाँव, जो कि POK के बिल्कुल पास में है, कल रात को पहुँच गए थे हम। और अब हम वापसी जा रहे हैं हुंदर, हुंदर में जाके एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद अगर टाइम रहा तो फिर हम आगे पेंगोंग के लिए निकलेंगे। तो चलते हैं नीचे पार्किंग में। आप कहाँ से आए? रोहनी से। रोहनी से कितने दिन हो गए चले हुए? हमें चले 15 तारीख को। 15 तारीख को अच्छा, कहाँ कहाँ घुमाए? तो ले हैं बाकी यहाँ है अपना त्याक्षी। वापसी वापसी में आप जाएंगे पेंगोंग जाएंगे। आपका शुभ नाम? अजीत कुमार जी। अजीत कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका, धन्यवाद सर। चलते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी कभी रोहिणी में। ठीक है भाई, ओके जी। तो त्याक्षी में रात गुजारने के बाद चल पड़े हैं वापसी अगली मंजिल पे, जो कि है हुंदर। वैसे तो हमने पेंगोंग जाना था, लेकिन जुलाई के मंथ में ज़्यादा मेल्ट हो रही है आइस, और वाटर क्रॉसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। फिर भी हम पता करेंगे हुंदर में, अगर कम वाटर क्रॉसिंग हुई तो हम निकल जाएंगे पेंगोंग की तरफ, और आज स्टे करेंगे पेंगोंग को। अभी जो हम थे 8000 फीट पे थे। तो त्याक्षी से हम निकल पड़े हैं, ये था त्याक्षी विलेज जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। बहुत ही मज़ा आया रात को स्टे करके, और ऐसी बढ़िया नींद आई मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनहरी यादें लेके चल पड़े हैं। और वादा करते हैं दोबारा आएंगे फिर हम त्याक्षी में और तुरतुक में। यहाँ के लोग काफ़ी खुश मिजाज हैं और खूब सेवा करते हैं। और ये हमारे अमित भाई आगे जा रहे हैं और जोगिंदर भाई। तो अगेन गाइस हम तुरतुक को क्रॉस कर रहे हैं, दिस इज़ द गिलगित बाल्टिस्तान विलेज, गिलगित बाल्टी रीजन है ये पूरा। यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होम स्टे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रुकने के लिए, बहुत से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे भी लोग बहुत स्टे करते हैं, आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। हम शायोक वार मेमोरियल पे पहुँच गए हैं, पीछे देखिए यह है शायोक वार मेमोरियल, और ये देखिए व्यू
क्या शानदार व्यू है यार, बहुत ही शानदार व्यू। तीन बज के 20 मिनट हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं हुंदर। हम चले थे आई थिंक 1:15 बजे, तो लगभग 2 घंटे में हम पहुंच गए हैं यहाँ हुंदर में। और जोगिंदर भाई ने एक और कारनामा किया है, अपनी तेल की क्या नहीं कहीं बाहर फेंकाए हैं पीछे कहीं, और जो एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए लाल कैनी रखी हुई है ये पीछे, और दूसरी साइड की फिर गिराए हैं। कल चप्पल गिराई थी, रात में चप्पल गिर गई। अच्छा, रात में भाई की चप्पल गिर गई, उससे पहले बैग गिराया था, आज कैनी गिराई है। घर तक पहुँचते पहुँचते आधा सामान रह जाएगा भाई के पास। आगे से ये एक्सपीरियंस रहेगा, सामान कम से कम लाना है। तो अमित भाई का वेट कर रहे हैं, हमें 10-15 मिनट हो गए, चलो मिलते हैं। तो अभी हम हैं हुंदर में और शोरडूम गेस्ट हाउस में हमने बात की है 2000 रुपीज़ में तीनों लोगों की विद डिनर, ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ डिनर इंक्लूड है। Your Dome Guest House। तो भाई लोग हम हैं हुंदर में और Your Dome Guest House है, और बहुत ही बढ़िया गेस्ट हाउस है और डील भी बहुत बढ़िया मिल गई 2000 में विद डिनर हम तीनों लोगों का। तो आज रात को हम यहीं फुलटूस एंजॉय करने वाले हैं, अभी जाएंगे सैंड्यून्स में जाके थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, और उसके बाद अपनी बाइक्स में फ्यूल पूरा भरवा के आएंगे, क्योंकि सुबह हम जल्दी निकलना है पेंगोंग लेक के लिए। आपको मिलते हैं सैंड ड्यून में। A few moments later, गाइस हम हैं अंदर में और ये पीछे है डेजर्ट, पीछे आप देख पा रहे होंगे डेजर्ट है, और ये है डबल हम कैमल, और यहाँ पे कैमल की सवारी होती है, और वहाँ जाएंगे रेत के टीले पे जो डेजर्ट है, वहाँ जाके थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे, और उसके बाद आधे घंटे बाद थोड़ा एंजॉय करके फिर निकल जाएंगे पेट्रोल पंप। तो ये है डबल हम्प कैमल, और इनकी राइड के लिए 300 रुपये लगेंगे पर पर्सन अगर आपने करना है। तो अभी चलते हैं हम टीले पे, रेत के टीले पे। तो आगे हैं हम डेजर्ट में, ये है रेत ही रेत है जहाँ पे हम चल रहे हैं, इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। नुब्रा वैली में सबसे फेमस ये डेजर्ट है, और लोग मोस्टली यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, और कैमल राइड, बाइक राइड और 2-3 राइड्स और होती हैं यहाँ पे, काफ़ी फन होता है यहाँ पे। आप भी आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको टाइम लैप्स यहाँ का। तो गाइस अब चल रहे हैं हम इस कोल्ड डेजर्ट नुब्रा वैली हुंदर से, तो अभी जा रहे हैं पेट्रोल पंप, वहाँ पेट्रोल फिल कराएंगे, सुबह के लिए रेडी हो जाएंगे पूरा, मतलब कि सुबह फिर हमें पेट्रोल फिल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही काम है अभी, और जाके फिर रात को डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे, और सुबह कोशिश करेंगे जल्दी निकलने की, कोशिश करेंगे करेंगे ना। 5 बजे ये तो सोता ही नहीं है, सोता नहीं है ना जोगिंदर, ये भाई सोता ही नहीं है, सारा दिन जागा रहता है, ना खाता है ना पीता है ना सोता है, पता नहीं कैसे जी रहा है, वायु हवा पानी से जी रहा है। जी। अच्छा सोने से इसका धूप से एनर्जी मिलती है, सोने से। अच्छा धूप, जादू, धूप, भाई को धूप चाहिए बस। अभी है हमारा डिनर टाइम, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत ही शानदार बफे लगा हुआ है, तो खाने में क्या क्या है। हेलो, आपका नाम क्या है? तांजिन। तांजिन, चलो खाना खाते हैं। तो दिखा देता हूँ मैं खाने में क्या क्या है, दिखा दो आप एक एक करके। ब्रोकली, ब्रोकली, वाओ, दाल, गोभी मटर, गोभी मटर, बंद गोभी मटर, बंद गोभी मटर, राइस, राइस, सब्जी मिक्स वेज, और ये चपाती, इसमें चपाती है, और ये सलाद है, पानी है। तो मैं अपने कुछ भाइयों से मिलाना चाहता हूँ जो दिल्ली से आए हुए हैं,
तो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं वैभव खनेजा फ्रॉम न्यू दिल्ली, पीतमपुरा से भाई। हेलो सर, आई एम गौरव फ्रॉम दिल्ली इन पश्चिम बिहार। आई एम फ्रॉम उत्तम नगर दिल्ली। नेम अंकुश। अंकुश भाई, ये तो हमारे पुराने भाई हैं अमित भाई। तो गाइस अभी हम करते हैं डिनर, उसके बाद जाएंगे सोने। कल का हमारा प्रोग्राम है पेंगोंग लेक का।